अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इमरान काजमी है। मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से 2017 में पास आउट हुआ। बेसिकली मेरा ताल्लुक कसूर के एक छोटे से गांव से कोटपीरावाला से है। बेसिक स्टडी मेरी यहीं से कसूर से ही थी। में NCA में मेरा एडमिशन हुआ और NCA का जर्नी भी मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो प्रैक्टिकली मैं ज़्यादा इन रहा हूँ इस फील्ड में एज़ कम्पेयर टू थ्योरी क्लासेस और ये सारी थ्योरी वगैरह में मैं काफ़ी वीक रहा हूँ शुरू से ही। कुछ प्रोजेक्ट किए नेशनल के साथ, USAID के साथ, इस तरह एज मिलता रहा। कुछ सीनियर्स और आर्टिस्ट और टीचर वगैरह मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते रहे और मेरा काम ज़्यादा रियलिस्टिक ही था शुरू से। सो थीसिस में मैंने हमारे कल्चर को पोर्ट्रेट किया था, हमारा सब कॉन्टिनेंट का जो कल्चर है, बनारस की, दिल्ली की, लाहौर की, मुल्तान की बात, ये सारा मिक्स करके कि हमारी जो ड्रेसिंग थी या हमारी जो रवायात थी या हमारे फूल जो गुलाब के, चमेली के फूल, या हमारे जो कलर थे, जो बड़ा रिच कल्चर था जो अब हमें नज़र नहीं आता। तो इसका टाइटल मैंने स्टेप बैक रखा था, एक स्टेप हम पीछे जा के देखें अपने कल्चर को कि हमारा कल्चर कितना रिच है। और अब हम उन सब चीज़ों को छोड़ के अब मॉडर्न कल्चर को तो फॉलो कर रहे हैं। बहुत एक सिंपल सा मेरा आइडिया, मैं उसी को लेके चल रहा हूँ, रियलिस्टिक पेंट कर रहा हूँ अपने कल्चर को। मैं जो कलर यूज़ करता हूँ बड़े वो शौक होता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो मुझे लगता है रेड कलर या ग्रीन कलर या येलो कलर या ब्राउन कलर या गोल्डन कलर हमारे कल्चर में बहुत इन है। तो मैं उनको अपनी पेंटिंग में लेके आता हूँ, मेरी हर पेंटिंग में ये कलर्स होते हैं। मैं अपने जूनियर्स को ख़ास तौर पे ये कहना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स के चक्कर में और अपने अंदर से बहुत कुछ निकालने के चक्कर में और अपने काम को बहुत कोई मेजर आइडिया का नाम देने के चक्कर में स्टूडेंट पढ़े रहते हैं और अपनी जो ओरिजिनल चीज़ है, जो अपने अंदर की फीलिंग्स हैं या जो आप शुरू से वो बचपन से करते हैं और जिस वजह से वो आर्ट में है, उसको वो शायद भूल जाते हैं या कॉन्फिडेंटली कर नहीं पाते। NCA बहुत प्रोफेशनल कॉलेज है और हमें जिस तरह से यहाँ पे गाइडलाइन मिली है, स्पेशली सर आ रहे हैं नईम ने, सर अली काजम ने, सर कदूस मिर्ज़ा ने, जिस तरह से हमें उन्होंने बच्चों में से चीज़ें निकाली हैं, मैं समझता हूँ कि सब कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा उनको एज अ रोल मॉडल ले कर उन टीचर्स को, उनके एक्सपीरियंस को अपने बच्चों को गाइड करना चाहिए ताकि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सकें।